हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, आज बच्चों की फरमाइश पे मैगी बनाने जा रही हूँ। जो पहाड़ी इलाकों में मैगी बनती है सब्ज़ी वाली, आज वो बनाने जा रही हूँ मैं। तो देखो, ये मैंने मैगी का बड़ा वाला पैकेट ले लिया है, जिसमें छोटे वाले पैकेट के चार साइज़ के होते हैं इसमें। तो ये पैकेट ले लिया मैंने, उसके लिए ये सब सब्ज़ी काट के रखी है। ये बंद गोभी है और ये शिमला मिर्च है, रेड, येलो और ग्रीन। और ये गाजर है, इसको मैंने चॉप करके रख लिया है। और ये टमाटर है, मैंने चार मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। और एक ये रखी मोटी मोटी चॉप करके प्याज ले लिए। और ये कड़ी पत्ता। तो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से बनती है मैगी, मैं आज उस तरीके से आपको बनाना बताती हूँ। तो देखिए, उसके लिए मुझे ये मैगी का पैकेट मुझे खोल लेना है। और ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, तो इसको अलग बॉईल करना है और इसका मसाला अलग रेडी करना है। तो देखिए किस तरीके से बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल लिया है। तो ये दो टीस्पून, मतलब दो टेबल स्पून ऑयल है ये। इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लिया हमने। अब इसमें सबसे पहले हम गाजर को ऐड करेंगे। ये गाजर ऐड करिए, थोड़ा सा इसको सौते करेंगे। तो ये देखिए, गाजर हो गई है हल्की सी ब्राउन हो गई। अब इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को हम बाद में ऐड करेंगे, ताकि इसका क्रंच बना रहे वो गल जाएगी। और ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सब्जी को। इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे हम। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसको सौते करेंगे। ये देखिए, अब फ्राई हो गया है ये पत्ता गोभी भी हल्का सा। अब इसके अंदर हम ये प्याज और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। थोड़ी मिक्स करेंगे इसी मसाले में। अब हम इसमें ये टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी इसी में गलाया जाएगा, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और ये शिमला मिर्च भी इसी में ऐड करें। ये सारी सब्जियों को फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। और अब इसको के थोड़ी देर के लिए रखते हैं। और ये हमने जो पानी बॉईल किया है इधर रखा था अलग से, इसमें हम मैगी ऐड करेंगे। इसमें हल्का सा एक बॉईल आएगा और इसको हम बड़ी वाली छलनी में छान लेंगे। और उसमें जो है सारी सब्जियों में भी इसको दम लगाना होगा, तो इसलिए इसमें हम तो ये देखिए, ये मैगी अच्छे से बॉईल हो गई है, इसमें उबाल आ गया है। और ये देखिए, इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, बस एक खोल आना है। अब इसको छलनी में हम छान लेंगे, बड़ी छलनी में खुले में छान लेंगे। और इस पर ठंडा पानी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि ये जो है गले ना पूरी तरीके से, ठीक है। ये देखिए, सब्ज़ी अच्छे से वो फ्राई हो गई है। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गई। अब इसमें हम डालेंगे
ये कुटी हुई रेड चिली, कुटी हुई मिर्च डालेंगे, हरी भी इसमें डाली थी हमने बच्चों की वजह से, और ये मैगी मसाले के जो पैकेट थे, ये मसाले के मैंने खोल लिए हैं इसको, अब इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए इसमें मसाला हमने मिक्स कर दिया ये सब, ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। आप अगर इसमें डालना चाहें सोया सॉस भी डाल सकते हैं और सिरका भी मतलब डाल सकते हैं, शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो। अब इसमें जो ये मैगी हमने छान के रखी थी अब वो इसमें मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए हमने सब अच्छी तरीके से मिक्स कर ली है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है वरना ये जो है ज़्यादा गल जाएगी, फूट जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, और आप इसमें चख भी सकते हैं नमक मिर्च। तो ये हमारी मैगी सर्व करने के लिए रेडी, देखिए ये हमारी पहाड़ी मसाले वाली मैगी बनके एकदम रेडी है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोगों को, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जाके बना के खाइएगा ज़रूर, बहुत टेस्टी बनती है ये पहाड़ी मैगी और बहुत अच्छी बनती है। आप लोग जो है एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, और वीडियो कैसी लगी है तो ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमें, और फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। अल्लाह।